नमस्कार मित्रों। किसी भी स्त्री के लिए, कन्या के लिए, विवाहित महिला के लिए गहने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लगते हैं और 16 सिंगार के अंदर गहनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज गहनों में हम बात करेंगे पायल की। अगर पायल पहन रखी है तो बहुत अच्छा रहता है, सुंदर रहता है। उसमें घुंघरू लगा लिए तो उसकी सुंदर आवाज वैसे ही आपको मोहक और आकर्षक बना देती है। लेकिन अगर आपने सोने की पायल पहन रखी है तो सावधान हो जाएं। ज्यादा पैसा हो है, कुछ है और आपने सोने की पायल बना ली तो आपने अपने लिए एक दुर्घटना का कारण बोल लिया। इससे सावधान हो जाएं। हमारे शास्त्रों अनुसार सोने की पायल पहनने की मनाही है। हमारे गुरुओं ने भी इसका बताया है कि नहीं पहनना चाहिए। कारण यही है कि सोना जो है बहुत पूजनीय है, उसको पैरों में धारण करना उसका अनादर माना गया है। इसके वैज्ञानिक कारण भी मैं हम आपको बताते हैं। सोने की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और चांदी की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्य का सिर जो होता है ठंडा रहना चाहिए और पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए, इससे बैलेंस रहता है। अब क्या होगा, सिर पर अगर हमने सोना धारण कर लिया और पैरों में चांदी धारण कर ली तो इससे सिर के जो गर्मी, सिर के अंदर जो गर्मी उत्पन्न हो रही है ये सोना धारण करने से, वो पैरों में जाएगी और जो पैरों में हमने चांदी के कारण जो ठंडी ऊर्जा उत्पन्न कर ली है वो हमारे सिर में जाएगी, जिससे पूरे शरीर का जो तापमान है वो संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसके उलट अगर महिलाओं ने पैरों में सोने की पायल पहन ली, क्या होगा, पैर में और गर्मी बढ़ेगी सोना पहनने से और शरीर दोनों में ही एक तरह की ऊर्जा होने प्रवाहित होगी। सिर में ऑलरेडी गर्मी है सोना पहनने से, और पैर में भी अगर हम सोना पहन लेते हैं तो दोनों गर्मी बन जाएगी और इससे एक तरह की ऊर्जा निकलेगी जो महिलाओं को रोग ग्रस्त कर देगी। और इससे क्या होगा, हमारी को रोग लग जाएंगे। वास्तु के अनुसार भी पायल की आवाज से घर की नकारात्मक ऊर्जा शक्तियां खत्म हो जाती हैं और दैवीय शक्तियों का आगमन हो जाता है, वो सक्रिय हो जाती हैं और घर में हमेशा के लिए अच्छा वातावरण हो जाता है। घुंघरू पायल में जब लगा दिए तो वो माता लक्ष्मी का एक रूप हो गया और ये आगमन कर रहा है, बता रहा है उनकी आवाज घुंघरों की कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ गई और धन धान्य के अंबार लग गए, तो आप सोने की पायल को छोड़कर चांदी की पायल धारण करें, अति उत्तम रहेगा। धन्यवाद। नमो नारायण। जिन बहनों ने मेरा वीडियो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन तो करेंगे ही कि चैनल को सब्सक्राइब तो करो। धन्यवाद। पुनः नमो नारायण।